वेलकम बैक टू मालविया कैड सॉल्यूशन। तो देखिए, आज हमने यहाँ पर एक फ्लेक्सिबल क्यूब क्रिएट की है। इसमें देखिए, ये वाला जो पोर्शन है हमने सरफेस फीचर की मदद से डिज़ाइन किया है, और यहाँ पर एक ट्रायंगल फ्लैंज भी इसके साथ अटैच की है, और इस साइड में हमने एक एडेप्टर इसके साथ कंबाइन किया है। तो ये किस तरह से हमने डिज़ाइन किया है, इसके सारे टूल्स वगैरह आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं हम। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, और वीडियो आप बिना स्किप किए एंड तक देखिए। देखिए, इसमें फ्लैक्स फीचर की मदद से हमने इसे 90 डिग्री में बेंड भी दिया है। यहाँ पे देखिए बेंडिंग किया हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी डिग्री जिस हिसाब से बेंड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो किस तरह से करेंगे उसके बारे में आज पूरा वीडियो हम इसमें ट्यूटोरियल में दिखाने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने एक पार्ट क्रिएट कर लिया है न्यू फाइल में। तो सबसे पहले हम फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है हमें। यहाँ पे वर्टिकली सेंटर लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसकी हाइट यहाँ पे अप्लाई करेंगे 120 mm। इसकी हाइट रहेगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लाइन टूल एक्टिवेट करना है और यहाँ पर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है। और इसे एस्केप की मदद से आउट हो जाना है। फिर यहाँ पर देखिए हम, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे इस दोनों लाइन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इक्वल कर देना है। फिर इस सेंटर लाइन से इस लाइन का डायमीटर, फुल डायमीटर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे 38 mm, और यहाँ पर इस पॉइंट का सेंटर लाइन से इसका डायमीटर रहेगा 55 mm। अब इसकी हाइट, इस लाइन की हाइट रहेगी 1 mm। अब इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और इस लाइन को, जो सेंटर लाइन है हमारे, इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और हॉरिजॉन्टल कर देना है। अब इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और वर्टिकल कर देना है। अब इस पॉइंट, इन दोनों के बीच का गैप रहेगा 5 mm। तो देखिए हमारा ड्रॉ, यहाँ पे जो स्केच है वो हमने ड्रॉ कर दिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइन स्केच पैटर्न इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर एक्सिस लाइन हमारी ये वाली रहेगी डाउन साइड में। फिर यहाँ पे एंटिटीज टू पैटर्न, तो हमें ये वाली लाइन और ये तीनों लाइन को सिलेक्ट कर देना है। अब इसकी गैप कितनी रखनी है, तो यहाँ पे देखिए ये वाली लाइन है 1 mm और यहाँ पर ये वाले, इन दोनों के बीच का गैप है 5 mm। तो 5 + 1 = 6 mm, तो यहाँ पे 6 mm अप्लाई करना है। नंबर ऑफ पैटर्न, तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ पैटर्न 19 अप्लाई करने हैं। देखिए इस तरह से, अब इसे क्लोज कर देते हैं। एक और यहाँ पे देखिए फिलेट अप्लाई कर देनी है हमें, तो यहाँ पे फिलेट 1.8 mm, और यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर देना है और यस कर देना है। फिर से लाइनर स्केच पैटर्न में जाना है और यहाँ पे देखिए हमें फिर से इस लाइन को सिलेक्ट करना है रिवर्स, और यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इस फिलेट के साथ इन सब लाइनों को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे जो स्पेस था 6 mm वो यहाँ पे टाइप कर देना है। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ पैटर्न 19, और फिर देखिए यहाँ पे इस तरह से यहाँ पर सेट हो गया है और ओके कर देना है। अब यहाँ से एक लाइन और ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करना है और हॉरिजॉन्टल कर देना है। तो हमारा स्केच फुल्ली डिफाइन हो गया है। अभी एक और चीज़ यहाँ पे हमें ड्रॉ करनी है, तो यहाँ से देखिए इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब इसका डायमीटर हमें अप्लाई करना है 35 mm।
और इसकी हाइट अप्लाई करेंगे 16 mm। तो देखिए इस तरह से हमारा स्केच फुल्ली डिफाइंड हमने कर दिया है। अब यहाँ पे सिंपली सरफेस फीचर में जाना है, यहाँ पे सरफेस टैब है, यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पे देखिए सरफेस टैब, यहाँ से आप इसे ऑन कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे सरफेस टैब में जाना है और रिवॉल्व सरफेस इस फीचर को एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पे देखिए इस वाली अब एक्सिस लाइन कौन सी लेनी है, तो एक्सिस लाइन ये वाली लेनी है और ओके करना है। देखिए यहाँ पर ये पाइप हमने ट्यूब क्रिएट कर दी है, पर देखिए यहाँ पे सॉलिड बॉडी देखिए इतनी सारी यहाँ पे शो हो रही है। तो सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे नीट सरफेस में जाना है और इस तरह से इसे टोटल जो हमारा ये पार्ट है इसे सिलेक्ट कर देना है और सिंपली यहाँ पे मर्ज एंटिटी सिलेक्ट कर देनी है और ओके कर देना है। फिर यहाँ पे थिकन में जाना है, इसकी थिकनेस हमें कितनी अप्लाई करनी है, तो हम यहाँ पर इसकी थिकनेस करेंगे 0.5 mm और यहाँ पे आउटसाइड में इसकी थिकनेस रहेगी और फिर ओके कर देना है। अब यहाँ पे जो फेस है इस फेस को सिलेक्ट करना है और स्केच, अब हमें यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, थ्री ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इसकी साइज हमें अप्लाई करनी है 90 mm। अब सिंपली इस लाइन को सिलेक्ट करना है और वर्टिकल कर देना है। फिर यहाँ पे देखिए इनसाइड वाला जो सर्कल है इसे सिलेक्ट करना है, कन्वर्ट एंटिटी कर देना है। फिर यहाँ पे फिलेट अप्लाई करेंगे, फिलेट यहाँ पर 10 mm और यहाँ से इस ट्रायंगल को फुल सिलेक्ट कर देना है। तो देखिए ये तीनों कॉर्नर सिलेक्ट हो जाएंगे और ओके कर देना है। अब यहाँ पर होल हमें ड्रॉ कर देना है, सर्कल ड्रॉ करेंगे ओके। अब इसका डायमीटर रहेगा 8 mm। अब सिंपली इस सर्कल को, इन तीनों सर्कल को सिलेक्ट कर देना है और इक्वल कर देना है। फिर फीचर में जाना है, एक्सट्रूड बॉस बेस अप्लाई करना है, इसकी थिकनेस हमें अप्लाई करनी है 8 mm और ओके कर देना है। अब इस बॉटम वाली फेस को सिलेक्ट करना है, स्केच और यहाँ पर एक सेंटर ड्रॉ करेंगे, हम सेंटर सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसकी साइज अप्लाई करेंगे हम 45 mm। फिर यहाँ पे देखिए इस सेंटर वाले सर्कल को सिलेक्ट करना है और कन्वर्ट एंटिटी करनी है हमें। फिर फीचर में जाना है, एक्सट्रूड बॉस बेस यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसकी साइज रहेगी 5 mm और ओके करना है। फिर से एडिट स्केच, यहाँ पे इस वाले सर्कल को डिलीट कर देना है। कन्वर्ट एंटिटी और ओके कर देना है। अब इस फेस को सिलेक्ट करना है, स्केच, फिर यहाँ पे देखिए हेक्सागोनल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। हेक्सागोनल की साइज रहेगी 45 mm।
अब यहाँ पे इस वाले सर्कल को सिलेक्ट करना है और कन्वर्ट एंटिटी कर देना है। फिर फीचर में जाना है और एक्सट्रूड बॉस बेस अप्लाई करना है। यहाँ पे इसकी साइज रहेगी 10 mm और ओके करना है। स्पेस को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसकी साइज 42 mm डायमीटर। सर्कल सिलेक्ट करना है, कन्वर्ट एंटिटी, फीचर में जाना है, एक्सट्रूड बॉस बेस, और इसकी साइज रहेगी 20 mm और ओके करना है। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे एडेप्टर क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पे चैम्फर की साइज रहेगी 1 mm और इस फेस को सिलेक्ट करना है और सिंपली ओके कर देना है। फिर यहाँ पे इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, जो हेक्सागोनल हमने क्रिएट किया है वहाँ पे उस फेस पर स्केच करना है। तो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे इस एज के साथ इसको अटैच कर देना है, इसके साथ टेंजेंट कर देना है। अब डायरेक्टली हम कोई इसकी साइज अप्लाई नहीं कर रहे हैं, या फिर आप डायरेक्टली इस सर्कल को सिलेक्ट करना है और इस वाली एज को सिलेक्ट करना है और टेंजेंट कर देना है। फिर फीचर में जाना है और एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है। अब एक्सट्रूड कट में देखिए यहाँ पे 20 mm, फिर यहाँ पे फ्लिप साइड और यहाँ पे इसका एंगल सेट करना है। तो इसका एंगल हम अप्लाई करेंगे 60 degree और फिर ओके कर देना है। फिर से अब बैक साइड वाली फेस पर भी हम ऐसे ही अप्लाई करेंगे। आप चाहे तो मिरर भी कर सकते हैं। तो जो हमने प्रीवियस स्केच क्रिएट किया था उसे सिंपली सिलेक्ट करना है और कन्वर्ट एंटिटी कर देनी है। फीचर में जाएंगे, एक्सट्रूड कट 20 mm, फ्लिप साइड और इसकी 60 degree एंगल रहेगा इसका और ओके कर देना है। देखिए इस तरह से यहाँ पे इसका शेप कुछ इस तरह से हो गया है। अब फिलेट एक्टिवेट करना है। फिलेट में यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे 1 mm इसकी साइज रख अप्लाई करेंगे। तो सबसे फर्स्ट एज हम इसे सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे इस वाले एज को इनर एज एंड आउटर एज और ओके करना है। अब हम यहाँ पर इसके डायमीटर पर थ्रेड अप्लाई करेंगे। तो सिंपली होल विजार्ड के ड्रॉप डाउन में जाना है और थ्रेड एक्टिवेट करना है। थ्रेड में हमें कौन से डायमीटर पे थ्रेड अप्लाई करने है, तो इस वाली एज को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर फेस कौन सी चाहिए, तो हमें फेस इस फेस से स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे अप टू सिलेक्शन, तो हम अप टू सिलेक्शन में इस वाली एज को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे इसकी साइज़ हमें सिलेक्ट करनी है। आपको मैट्रिक डाई यहाँ पे सेट करनी है। इसके थ्रेड रहेंगे 22 by 1.5 कट थ्रेड 0 degree राइट हैंड साइड। और एक और चीज़ यहाँ पे ऑफसेट देखिए यहाँ पे इन साइड में है, तो हमें आउट साइड में करना है ऑफसेट और सिंपली ओके कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमारा ये फ्लेक्सिबल एडेप्टर टाइप और फ्लैंज टाइप पाइप ट्यूब कंप्लीट हो गई है। हम इसमें अप्लाई करेंगे इसका मटेरियल। तो यहाँ पे ब्रश स्टील ले लेते हैं ओके। हमने यहाँ पे ब्रश स्टील यहाँ पे अप्लाई किया इसका मटेरियल। अब हमें ये बेंड करना है, इसको बेंड में अप्लाई करना है 90 degree या 45 degree में हमें बेंडिंग करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेन्यू बार में जाएंगे और यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू में फीचर में जाना है। फिर यहाँ पे एक फ्लैक्स फीचर है, इसे एक्टिवेट करना है। फिर यहाँ पे देखिए बेंडिंग वाला ऑप्शन है, इसे सिलेक्ट करना है और बेंडिंग में जो कंपोनेंट हमें बेंड करना है उसे सिलेक्ट करना है। इसे सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे दो प्लेन आपको शो होंगे, प्लेन 1 प्लेन 2, और ये बेंड एक्सिस जो सेंटर से बेंड होने वाला है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाला इसका डिस्टेंस रखेंगे 40 mm
या फिर यहाँ पे इसे इस तरह से ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ पे इसकी साइज़ 40 mm अप्लाई करेंगे और यहाँ पे सेकंड वाली 20 mm। देखिए इस तरह से ये, अब बेंड हमें इस प्लेन से इस प्लेन तक ही बेंड करना है, तो यहाँ पे हम डिग्री इसकी सेट करेंगे 90 डिग्री। देखिए ये बेंड हो गया। बट हमें इसका डायरेक्शन चेंज करना है, बेंड हमें इस साइड में नहीं इस साइड में करना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे -90 डिग्री कर देना है। तो देखिए ये बेंड इस साइड में हो जाएगा। अब हमें 90 डिग्री की जगह 45 डिग्री करना है, तो 45 डिग्री अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये पाइप बेंड, यहाँ पे बेंड हो गया है। देखिए फ्लैक्स फीचर की मदद से हमने इसे 45 डिग्री में बेंड किया है, बट हम चाहते हैं इसे थोड़ा और ज़्यादा बेंड करना है, तो फिर से एडिट में जाएंगे, फ्लैक्स के फीचर को एडिट करना है। एडिट में जाके हम यहाँ पे इसका एंगल चेंज कर देते हैं, यहाँ पे -90 डिग्री और फिर ओके कर देना है। तो ये 90 डिग्री में, तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री में ये कंपोनेंट बेंड हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।